मेरे ख्याल से तो, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भला काम लो। नंबर एक। नंबर तीन जो है, कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे, ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको चार पांच दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था, ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो, हमने दो घंटे में पकड़ लिए मुलजिमों को और फिर भी एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, तब भी हमने कोई माइंड नहीं किया हूँ किस लिए, हो सकता अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, इसलिए हमने उसको कोई अतराज हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। एनआईए केस ले लिया आपने, अभी तक पता नहीं एनआईए को चाहिए आगे आगे बताएं, अभी तक प्रोग्रेस क्या उस केस की बताना चाहिए। आज अगर एसओजी केस करती इसको, अभी तक जनता को मालूम पड़ता कि एसओजी कहाँ था, आगे बढ़ी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ा हमें। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को, और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए, देश के लिए, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए, विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को। प्रोग्राम पॉलिसी की बात करें, इशू की बात करें, नॉन इशू को इशू बना रहे हो आप लोग, और आप इस प्रकार भड़का रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर अभी से ही, और जिस भाषा में उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद नहीं करता था, इसलिए मैंने कहा या तो उनको गलत ब्रीफिंग की गई है, जब ये जानबूझ करके वो खुद घबरा गए बौखला गए हैं, जानबूझ के जुमला बोला है मेरा मानना। और सबसे बड़ी बात है, जब केस हुआ था कन्हैया लाल का, तो हम सब काम छोड़ के प्रोग्राम कैंसिल करके मैं खुद आया जयपुर, चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस हम सब गए वहाँ पर, जो कुछ कर सकते हमने किया। पर इनके नेता लोग मालूम पड़ गया ये केस हो गया, तब भी तमाम लोग हैदराबाद गए इनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारे थे वो भी, नेता उपनेता जो आज नेता प्रतिपक्ष से राठौड़ भी, सब लोग हैदराबाद क्यों गए? अगर इतनी चिंता थी इनको, इतनी बड़ी घटना हो गई थी, उस घटना में इतनी बड़ी मानते थे, हम तो यहाँ आए हैं, वो वहाँ चले गए, उसे समझ सकते हैं कि पूरी राजनीति कर रहे लोग। सर गजेंद्र सिंह शेखावत और कुछ प्रतिनिधिमंडल ने आपके नामांकन को लेकर, अरे कोई एफिडेविट को लेकर, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दो। रामेश्वर दादी जी चले गए हैं, जबकि वो तो आपके बचपन के मित्र थे, सगा थे, तो क्या कोई ऐसी मजबूरी प्रलोभन, क्योंकि वो कह रहे हैं जिनके कहने से उन्हीं, देखिए उनका, देखिए उनका जाना मुझे दुख भी होता है, क्योंकि लंबे समय से हमारे साथ रहे और कोई बिना कोई कारण के चले गए, मैं समझता हूँ कि उनके आने का मुझे दुख भी है।